नमस्कार, स्वागत है आपका आजम भर के संक में। मैं हूँ दीपिका। आइए सबसे पहले रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने प्रदेश के छात्रों के लिए नए सत्र से काउंसलिंग ऑनलाइन की दी जाएगी सुविधा। हमीरपुर के बीसी उपकुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल के अनुसार प्लेसमेंट करवाने के लिए भी आगामी दिनों में किया जाएगा काम। विश्व भर में छाए कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए हिमाचल में भी सभी तरह के आधिकारिक आयोजनों पर रोक लगाने की कही जा रही है बात। 15 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व उपभोक्ता दिवस भी किया गया स्थगित। हमीरपुर के पुलिस लाइन दसरका में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की त्रैमासिक बैठक का किया गया आयोजन। बैठक की अध्यक्षता डीएसपी रेणु शर्मा ने की। बैठक के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। दोपहर बाद से जारी बारिश के क्रम में जिला हमीरपुर में जहां लोगों की संपत्ति की डैमेज, वहीं गुरुवार और शुक्रवार को हुई भारी ओलावृष्टि और तेज बारिश से फलदार पौधों और गेहूं की फसल को भी पहुंचा नुकसान। बारिश के कारण जिला एक बार फिर से आया ठंड की चपेट में।